चलिए, जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं कि हर तरफ होली के रंग हैं और ये खुशी हर तरफ देखी भी जा सकती है, तो इस तरफ हम बात करेंगे दिल्ली के मालवीय नगर की, जहां से हमारी संवाददाता रोशनी हमारे साथ जुड़ गई, उनका रुख करेंगे। रोशनी, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत एंजॉय कर रही हैं और देख सकते हैं आपको और पीछे जो रंग बिखर रहे हैं। बिल्कुल गुलरिश, नजारा यही है क्योंकि फागुन की मस्ती है। ये होली के रंगों में तमाम मालवीय नगर का जो आज रंग है खासतौर पर वो सराबोर है। परिवार में आपको दिखा दें, यहाँ पर कई फैमिली भी एक साथ इकट्ठा हुई है, महिला पुरुष बच्चे हर कोई यहाँ पर नाच गाने में मशगूल है। होली का रंग है, हाथों में डांडिया भी है। कोशिश यही है कि इस रंग को पूरी तरह से एंजॉय किया जाए क्योंकि होली की मस्ती ऐसी मस्ती होती है जो वाकई साल भर जिसका लोग इंतजार करते हैं। और होली का ये रंगारंग माहौल जो है ये मालवीय नगर से बेहद खास है क्योंकि हर साल यहाँ पर होली इसी तरह मनाई जाती है। इतनी ही खुशियाँ, इतनी ही रौनक शहरों में नजर आती है और शायद इतने ही रंग जो है वो भी नजर आते हैं। आप कहना चाहोगे संजीव जी, आज मौका होली का है तो कोई होली का ही गीत हो जाए जबरदस्त। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे होली है, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। आपकी रंग बरसे जो कि टिपिकल ट्रेडिशनल गाना है होली का, वो तो इस माहौल में इस फिजा में बरसा ही बार महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैम, कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है होली की और कैसा लग रहा है ये पूरा सेलिब्रेशन? बहुत 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 अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। कितने अच्छा होली खेल रहे हैं आप लोग सभी, हम सब मिल के रंगों से होली खेल रहे हैं और पटाखे जला रहे हैं होली के। क्या कहना चाहेंगे, होली का ये मौका है हर तरह से खुशी होली पानी वाली होली आते हैं हमारा विंटर रूप हर त्योहार जो है बच्चे ना आता है। मैं क्या कहेंगी, कैसा उत्साह है यहाँ पर आप देखिए, महिलाएं जो है वो पूरी तरह से मनमत है होली के रंगों में। होली के रंगों का एक अलग ही अपना ही मजा है, सब बहुत मन खेल रहे हैं झूल के होली के। माहौल है गुलमेश होली का जो लगातार यहाँ पर बना हुआ है। मेरे साथ जितने भी लोग हैं रंगों में सराबोर है, गाना हो रहा है, डांस हो रहा है और पीछे जो है वो ढोल भी बज रहा है। तो ढोल की ढोल का ये जो नजारा है वो यहाँ पर लोगों को डांस करने में, नाचने में मजबूर कर रहा है और हर किसी के चेहरे पे आपको इसी तरह की रौनक, किसी तरह के रंग देखने को मिल जाएंगे। सर, होली की इस मस्ती पर क्या स्पेशल आपके इस एरिया में है, क्योंकि कहीं पर रेन डांस होता है, कहीं पर डीजे होता है, यहाँ ढोल के साथ ट्रेडिशनल होली है टिपिकल? यहाँ पर इतना अच्छा डांस हो रहा है, यूनिटी प्यार इतना, और इतना सब सारे लोग इतने प्यार से इतना होली खेल रहे हैं, एंजॉयिंग अ लॉट। ये छोटा सा बच्चा भी मैं आपको दिखा दूँ, इसकी शक्ल देख कर आप जान जाएंगे पूरी तरह से ये पानी में भीगा हुआ है, गीला है। क्या नाम है आपका? अक्षय। अक्षय, कैसा लग रहा है होली खेलते हुए? अच्छा। किस किस को रंग लगाया अभी तक आपने? सबको रंग लगाया। ये देखिए, ये छोटे छोटे से बच्चे, इनके चेहरों पर और इनके हाथों में ये जो वाटर बलून्स है ये आज की खासियत है और इन्हीं बलून्स के चलते ये होली का जो रंग है ये सराबोर है, ये इन बच्चों के लिए खास है। तमाम यहाँ पर मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी सब मौजूद है, दोस्त यार है और उनके साथ होली की मस्ती चल रही है। होली का ये रंग है जो यहाँ पर मालवीय नगर की जनता के सिर चढ़कर बोल रहा है और यही वजह है कि यहाँ की जनता हर साल होली को इसी अंदाज से इसी उत्साह में मनाती है। बिल्कुल, यहाँ पे जाहिर सी बात है कि सभी लोग मस्ती में डूबे हुए हैं। और रोशनी, हम चाहेंगे आप ये लोगों से पूछें कि अभी तो ये होली की शुरुआत है, अभी रंग डालने का सिलसिला और डांस करने का सिलसिला शुरू हुआ है, कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, आगे क्या क्या प्लान है लोगों के? बिल्कुल, इस बारे में बात करेंगे और एक खास बात बता दूं कि होली बहुत स्पेशल इसलिए भी होता है कि तमाम कलर्स यहाँ पर होते हैं लेकिन साथ ही साथ खाने पीने की चीजें भी होती है और मिठाइयाँ या यूं कहें कि मुंह में पानी लाने वाले तमाम पकवान जो है उसका भी इंतजाम यहाँ पर किया हुआ है। सर, खाने पीने का क्या कुछ इंतजाम है क्योंकि बिना मिठाइयों के ये त्योहार अधूरा होता है? हम लोग ने पहले तो पकौड़े और ठंडाई रखे हैं स्नैक्स के लिए और उसके बाद पूरा फुल लंच है जिसमें कि मिठाई, गुलाब जामुन और आपके ठंडाई वगैरह सारा है, पूड़ी है और पूरा का पूरा लंच रखा, खाने पीने का पूरा इंतजाम, पूरा इंतजाम है। पहले लोग पकोड़े और ठंडाई से अपना मजा लेंगे, उसके बाद पूरा खाना खाएंगे। होली है। किस किस ने ठंडाई पी रखी है अभी यहाँ पर? हर साल पीते हैं, हर साल पीते हैं और वही उत्साह रहता है, वही उत्साह, खूब उत्साह होता है, हमको इतने डबल होता है हर साल। मुझे
तो फेस पर बहुत ज्यादा एलर्जी हो रखी है, मैं खुद को रंग नहीं लगवा सकती, लेकिन मैंने सबको रंग लगा के और यहाँ आने का मोह नहीं छोड़ पाई, बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ। देखिए जिसको थोड़ी बहुत एलर्जी है कलर से वो यहाँ पर दूसरों को कलर लगा रहे हैं, लेकिन मस्ती करने से यहाँ पर कोई भी पीछे नहीं है। मैम चलिए वो तो छुप गए, लेकिन आपको दोबारा बुला लेते हैं, कैसा लग रहा है? क्योंकि हर साल मैं देखती हूँ, कवर करती आ रही हूँ, लगातार यहाँ पर सबसे ज्यादा धूमधाम से होता है, क्या कुछ नया, क्या कुछ स्पेशल इस बार कर रही है? और खाने पीने के क्या स्पेशल पकवान आपने घर पे बनाए हैं? गुजिया बनाई है और भी बहुत सारे खाने पीने का सामान बनाया है, बट यहाँ पे सब कुछ खाने को मिल रहा है तो किचन बंद कर रखी है। होली का मौका है तो मस्ती करना बनता है, लेकिन गुजिया जो है आपको मुझे खिलाई पीना गुजिया, तो मैं भी मुँह मीठा करूँगी। गुजिया आपके लिए भी दो चार लेकर आऊंगी आंटी, ये बताइए। बहुत सारी चीजें हैं खाने को, इतना तो शायद हम घर पे बनाएंगे भी नहीं जितना हमें यहाँ खाने को मिलेगा, तो इसका अब जल्दी जल्दी मैं जान लीजिए आपके प्लान क्या है। आप होली का रंग सब चढ़ना शुरू हुआ है, दिन भर का क्या प्लान है आपका? दिन भर का कोई प्लान नहीं है, बस होली खेलनी है और सिर्फ होली खेलनी है सारा दिन। होली के बारे में क्यों दिन भर का क्या प्लान है आज आपका? आज सारा दिन अपना नाचेंगे, गाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे, और सारे हमारे RWA के मेंबर्स यहाँ पर हैं, और बिल्कुल उसी गाने की तरह नाचेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे। और सर क्या प्लान है आज के, क्योंकि रंग लगना तो अभी शुरू हुआ है। थैंक यू सो मच, बिल्कुल बिल्कुल मैंने रंग लगा लिया, लेकिन क्या कुछ प्लान है आज आपके होली? मौज मस्ती करने का प्लान है, पूरे दोस्तों से रिश्तेदारों से, टोटल दोस्तों रिश्तेदारों से, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ। होली क्यों मनाई जा रही है? क्यों मनाई जा रही है? एक्चुअली क्या है, हिरणा केशव एक राजा होता था, उनका यहाँ एक बेटा था प्रसाद, जो कि अपने पिताजी को भगवान नहीं समझता था, बाकी सब जनता जो है उसको भगवान समझती थी। तो वो उसका फादर उसको बोलते थे कि तू मुझे भगवान कह, वो कहता मैं भगवान नहीं कहूंगा, मैं अपने भगवान को भगवान कहूंगा। लेकिन उसको कई दफा मारने की कोशिश की गई, लेकिन उसको भगवान ने बचाया। आखिर में उसकी बहन होलिका ने उसको मारने की प्लान बनाई अपने भाई के साथ, बहन हुआ और उसके अगले दिन रंग खेला गया, और ये होली की कहानी हम सब इसमें परिचित है, और वही होली का माहौल, होली का जश्न यहाँ पर लगातार बना हुआ है, और हम यहाँ से रंग दिखाते हैं। जी रोशनी बहुत बहुत शुक्रिया मालवीय नगर से ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, आप वहाँ पे एंजॉय कीजिए और लगातार हम दिखाते रहेंगे कि दिल्ली में कहाँ कहाँ किस तरह के रंग नजर आ रहे हैं। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। तेरे किटे दादा किटे धागे ना दिनाना किटे दादा 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 कि